तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हम करेंगे फॉर्मूला में मैथ के फॉर्मूले, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है जी, बहुत सारे फंक्शन। स्टार्ट करते हैं फंक्शन से, एबीएस। मान लीजिए मेरे पास कुछ डेटा है, नंबर्स हैं, अब मुझे इसमें चाहिए, मैंने कहा कि कुछ है नंबर माइनस के। ठीक है जी, मैं ये कह रहा हूं कि चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, उनको प्लस में ही दिखाए मेरे को। ठीक है जी, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, मुझे सिर्फ प्लस में चाहिए। तो उसके लिए मेरे पास फंक्शन है एबीएस, जिसका मतलब है एब्सोल्यूट। अब इसको सिलेक्ट किया मैंने, रेफरेंस दे दिया, देन एंड। तो मैं जब इसे ड्रैग करता हूँ तो अब चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, सबको वो प्लस में दिखाएगा। ठीक है जी, एबीएस का फंक्शन। देन हमारे पास दो फंक्शन है, सीलिंग। फर्स्ट है सीलिंग, सेकेंड है फ्लोर। ये काम आते हैं कैपिंग करने के लिए। किस तरह की कैपिंग? मान लीजिए जैसे मेरे पास कोई, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये नंबर हैं। मैं कहता हूँ कि सात मुझे एक डब्बे में रखने हैं, सात मुझे एक डब्बे में रखने हैं, और सात एक डब्बे में रखने हैं। ठीक है जी, तीन डब्बे बनाने, कितने डब्बे कैसे निकालूंगा? तो ये सीलिंग और फ्लोर के जरिए होता है। सीलिंग में क्या होता है, सिग्निफिकेंस में ये देंगे कि हम कितने कितने का ग्रुप बनाना है इनका। ठीक है जी, तो ये क्या करता है, जो कैपिंग वाला नंबर देते हैं वही आपको रिटर्न करता है। कब तक? जब तक वो नंबर क्रॉस ना हो जाए। ठीक है जी, जैसे हमने कहा तो ये सात के ग्रुप में चल रहा है, धनिया आया फिर ये 14 के ग्रुप में चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक सीधे धनिया आया फिर ये 21 के ग्रुप में चल रहा है। ठीक है जी, एग्जैक्ट जो मैंने कहा कि डिब्बे कितने लगे, तो करने के लिए हम डिवाइड बाय 7 कर सकते हैं इसको। जैसे मैंने डिवाइड बाय 7 किया तो मेरा रिजल्ट इस तरह से आएगा, ये पहले डब्बे में ये प्रोडक्ट हो गए, दूसरे डब्बे में ये प्रोडक्ट हो गए, तीसरे डब्बे में ये प्रोडक्ट होगा। इसी तरह हमने पूछ लिया कि जो 45वां नंबर का होगा वो कहाँ जाएगा, तो ये बोल रहा है सातवें डिब्बे में। ठीक है जी, इसी तरह से हमारे पास इसमें क्या है कि ये कौन से डिब्बे में कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं ये आपको दिखा रहा है। फ्लोर का क्या है कि जब तक ये पूरा नहीं हो जाता ना सात, तब तक ये इसको मानता ही नहीं है, पूरा नहीं होने देता। ठीक है जी, फ्लोर भी सेम पैटर्न है इसका भी, नंबर सिग्निफिकेंस। अभी ये क्या चल रहा है, जीरो पे चल रहा है, देन सात पे चल रहा है, देन 14 पे चल रहा है, तो एक पीछे चलता है। तो मैंने डिवाइड बाय 7 कर दिया, देन देखेंगे जैसे बात करेंगे कितने डब्बे पैक हमारे पास पड़े हैं। ठीक है जी, तो अभी तक एक भी नहीं, सात पूरे होने तक एक भी नहीं है। जैसे ही सात पूरे हुए वैसे एक डिब्बा, अगले पे गए, हाँ यहाँ दो डिब्बे हो गए, यहाँ दो ही चल रहे हैं अभी, यहाँ तीन पूरे हो गए। तो इस तरह से सीलिंग और फ्लोर का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है जी, मैथमेटिक्स में इनके कोई भी हमें कैलकुलेशन करनी होती, कई बार इस तरह की जरूरत पड़ती है ग्रुपिंग की, वहां पे इसको यूज करते हैं, सीलिंग और फ्लोर का, हार्ड कैलकुलेशंस में। दिन बात करते हैं कॉम्बिनन। कॉम्बिन है हमारे पास, तो कॉम्बिन में क्या है, पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। जैसे मेरे पास पांच बंदे हैं,
उसको मैंने कहा यहाँ पे नंबर दे दिया, मैंने कहा इनको दो दो के ग्रुप में बांट दो। ठीक है जी, तो कितने पॉसिबल ग्रुप फॉर्म हो सकते हैं? इसने कहा 10। ठीक है जी, अगर यहाँ पे तीन होते तो कितने होते? तीन ग्रुप फॉर्म हो सकते। चार होते कुछ, इसमें छह डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप फॉर्म हो सकते थे। ये किस तरह से हम जज कैसे करेंगे, कैसे मतलब छह ग्रुप किस तरह से फॉर्म होंगे? ठीक है जी, तो ये हमारे पास चार बंदे ले लिए हमने। ठीक है जी, ग्रुप कितने के बना रहे हैं हम? दो दो के। तो पहला ग्रुप ये, दूसरा ग्रुप ये हो गया। तीसरे ग्रुप में ये हो सकता है, इस तरह भी बन सकता है। चौथे में ये भी बन सकता है, ये भी ग्रुप बन सकता है। पांचवे में ये ग्रुप बन सकता है। तो ये आपके पास छह मैक्सिमम ग्रुप बन सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से ये दिखाता है पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने हो सकते हैं। तो ये हमारा कॉम्बिन का फंक्शन होता है, जिसमें पहले हम नंबर देते हैं, देन नंबर चूजन कितने कितने का ग्रुप बनाना है। देन है हमारे पास अब इसमें से इवन नंबर निकालने हैं मेरे को, इवन कौन सा है? तो जो हमारे पास नियरेस्ट इवन नंबर होगा वो दे देगा। इवन का फॉर्मूला है, रेफरेंस देते नियरेस्ट इवन नंबर दे देगा। और जो हमारे पास ऑड का फॉर्मूला है, नियरेस्ट ऑड नंबर दे देगा। ठीक है जी, देन हमारे पास है फैक्ट, फैक्टोरियल निकालने के लिए। जैसे मैंने 5 का फैक्टोरियल निकालना है, फैक्ट का फॉर्मूला है, नंबर दे दिया, 120 निकाला। फैक्टोरियल क्या होता है? ये हो जाएगा 4 3 2 1। क्या करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन ये इससे मल्टीप्लाई, देन ये इससे मल्टीप्लाई। ठीक है जी, एक हमारे पास है फैक्ट डबल, वो क्या करता है, एक छोड़ के मल्टीप्लाई करता है। ठीक है जी, लगाते हैं फैक्ट डबल। फैक्टोरियल निकालने के लिए इसका निकाला, फैक्ट डबल निकाला तो 15 आया। 15 किस तरह से आया, एक छोड़ के निकालता है ये, एक ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय ये हो गया, देन ये हो गया। ठीक है जी, देन हमारे पास है जीसीडी एलसीएम, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल और लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक हम निकालते थे हिंदी में, इंग्लिश में एलसीएम और जीसीडी। तो वो हम निकालते हैं इससे। एलसीएम का फॉर्मूला है 12 8 24 दे दिया। लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर जो आया 24 आया। ठीक है जी, इसी तरह जीसीडी इसमें दे दिया मैंने 12 आया। ठीक है जी, अब यहाँ पे अगर मैं 18 करूँ क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि तो 6 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं। इसी तरह से तो जीसीडी एलसीएम एंड जीसीडी, लोएस्ट कॉमन डिविजिबल और
लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल, डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक है जी। देन उसके बाद हम चलते हैं अपने राउंड वाले फंक्शन पे। राउंड करने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, कुछ नंबर्स ले लेते हैं। ये तो कुछ नंबर है हमारे पास यहाँ पे, और राउंड करना है। तो पहला जो हम यूज करते हैं वो है राउंड का ही फंक्शन। ठीक है जी। इसमें चूज करना होता है नंबर और कितने डिजिट तक राउंड करना है। मैंने कहा 0, 0 में क्या हुआ, इसने कोई डिजिट तक नहीं राउंड कर दिया, जो 5 से ऊपर थे उसको इसने 1 प्लस कर दिया। तो ये हमारा सिंपल राउंड फंक्शन। देन हमारे पास है राउंड अप। राउंड अप इसको करते हैं फिर 0 डिजिट तक कर देते हैं, देन क्या निकालता है, तो मतलब ये हर केस में अप पे जाएगा। यहाँ 12.4 है तो 13, 12.3 है तो 13, 12.9 तो 13। ठीक है जी। तो 5 का कोई मतलब नहीं। इसी तरह है राउंड डाउन। राउंड अप का क्या मतलब होता राउंड अप जो है प्लस कर देता है, जैसे हमारा नॉर्मल राउंड क्या करता है, जैसे 12.4 है मतलब 0.5 से नीचे है तो 12 का 12 ही दिखाएगा, पर राउंड अप क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा ऑलवेज 13 में। 0.1 भी होगा तो वो नेक्स्ट डिजिट ले लेगा। ठीक है जी। देन राउंड डाउन है, इसमें क्या है कि कितना भी मैक्सिमम हो ये आपका रिवर्स कर देता है, डिक्रीज कर देता है। जैसे 13.65 है, का है राउंड जो कर रहा है वो 14 दिखा रहा है, पर ये नहीं। ठीक है जी। 12.9 है फिर भी 12 दिखाएगा, नॉर्मली क्या दिखाते हैं 13। ऐसा है ना, जब हम पैसा किसी को दे रहे होते हैं तो हम राउंड डाउन का मेथड फॉलो करते हैं, और किसी से जब लेना होता है तो राउंड अप का मेथड फॉलो करते हैं। ये बनिए की किताब में होता है। ठीक है जी। देन हमारे पास इंट। अब इनके नाम तो अच्छे लग रहे होंगे पर एक टेक्निकल नेम आ जाता है, इंटीजर। इंट क्या करता है, इसमें आपको क्या करना है कुछ देने की जरूरत नहीं, ये होल नंबर लेता है, इसका डेसिमल से कोई नाता नहीं है। ठीक है जी। ये ऑटोमेटिक राउंड करता है ये भी, पर ये जो फॉलो करता है राउंड राउंड अप, ये राउंड डाउन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। ठीक है जी। तो राउंड डाउन के लिए आप इंट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। देन हमारे पास है ट्रंक। ठीक है जी। ट्रंक में हमने लिया और 0 डिजिट। ठीक है जी। ट्रंक का मतलब है ट्रंकेट, छोड़ देता है आगे की चीज, जो डिजिट से उनको उड़ा देता है, कहता मुझे चाहिए ही नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये राउंड डाउन की तरह वर्क करता है। ये तीनों हमारे जो है राउंड डाउन की तरह वर्क कर रहे हैं। ठीक है जी। तो राउंडिंग के लिए इन सारे फंक्शंस को यूज किया जाता है, राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन, इंट, ट्रंक। ठीक है जी। अब बाकी नेक्स्ट चलते हैं। इंट और ट्रंक में कोई डिफरेंस नहीं है, बट जो है कि इंटीजर जो पैरामीटर लेता है डायरेक्ट नंबर लेता है,
इंटीजर का एक्चुअली मेथड क्या है, इसका इनहेरिटेंस है प्रोग्रामिंग से। प्रोग्रामिंग में क्या होता है, इंटीजर उसको बोलते हैं जिसके आगे कोई डेसिमल नहीं होता, ठीक है जी। तो ये ऑटोमेटिक राउंड ही करता है एक तरह से, ठीक है जी। और ट्रंक का मतलब होता है, ट्रंक कमांड होती है, ये जो होता है हमारा सी, सी प्लस प्लस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज होता है, और ट्रंक जो यूज होता है वो डेटाबेस में यूज होता है। ये नाम की बात बता रहा हूँ, इंटीजर हम कहाँ फाइंड करते हैं। तो ट्रंक क्या होता है, किसी ट्रांजेक्शन को जब हम स्किप कर देते हैं तो उसे ट्रंक करना कहते हैं, जो वेस्ट कर देना किसी चीज को, छोड़ देना, ट्रंक कॉल्स होती है हमारी। तो ट्रंकेट मीन्स होता है, तो ये क्या करता है कि आगे की डिजिट को छोड़ देता है, ठीक है जी। मतलब जो यहाँ है ये खाली उसे इससे मतलब वही लेगा ये, तो ये ट्रंक है, ठीक है जी। इंटीजर भी हालांकि वही काम कर रहा है। देन आगे देखते हैं, एक हमारे पास है मोड का फंक्शन। मोड जब हम लोग मॉड्यूलो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, देखिए सिंपल बताता हूँ कि हम लोग जैसे भाग को यूज करते थे ना, गुणा भाग, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई ये 5 को भाग दिया, तो 2 दूनी 4 हो गया। तो ये जो बीच में आया ना आपका रिमाइंडर, ये होता है मॉड। ये मॉड के थ्रू आपको मिलेगा कि यहाँ यहाँ क्या हुआ उसे कोई मतलब नहीं, यहाँ जो बच रहा है उससे मतलब है, ठीक है जी। तो मॉड का होता है, जैसे मैंने कहा 5 को डिवाइड करो 2 से, ठीक है। तो मॉड का फंक्शन है, नंबर क्या है और डिवाइड करने वाला कौन है, ठीक है जी। रिमाइंडर आपको दे देगा, अगर मैं 6 से भाग दूं इसे तो 0 कर दिया, क्योंकि कोई रिमाइंडर नहीं बचता। 11 करूं 1 बच जाता है, इसी जगह अगर मैं 3 यूज करता हूं तो 2 बचता है, ठीक है जी। तो मॉड का फंक्शन यूज करते हैं। देन हमारे पास पाई है। पाई आपको याद है, जैसे पाई आर स्क्वायर, एक राउंड का हम वो जो त्रिज्या निकालते थे ना पाई, जिसका तो एक पाई का फॉर्मूला है, ऐसे कहीं मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं जहाँ पाई की आवश्यकता, तो पाई का फंक्शन आपको सेम वैल्यू निकाल के देता है, 3.1415 एंड सो ऑन, जो भी होती है, 22/7 हिंदी में होता था। तो ये रही आपकी फुल वैल्यू उसकी पाई की। सेकेंड थिंग है पावर। पावर हम लोग यूज कर रहे थे कि जैसे 4 की पावर 2, तो मैंने आपको बताया था कि हम ऐसे और कैरेट के साइन से पावर निकाल सकते हैं, ठीक है जी, रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसी तरह आपके पास है पावर का फंक्शन भी है, इसमें नंबर आप चूज कर सकते हैं और पावर क्या होनी चाहिए वो चूज किया तो आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। देन और आगे देखते हैं, इसमें प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है जी। जैसे रेट क्वांटिटी से हम क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट रेट है, क्वांटिटी है, अमाउंट निकालना है। इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा फॉर्मूला लगाते हैं मल्टीप्लाई करके, हालांकि ये भी सेम मल्टीप्लाई करता है, इसका कोई कुछ नहीं है, प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे तो सेम आपको रिजल्ट देगा।
प्रोडक्ट में ये चूज किया, देन ये चूज किया, ठीक है जी, सेम देगा। अब ये देखिए मैंने क्या किया, सम ऑफ द प्रोडक्ट। तो मान लीजिए कि मैं इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करना चाहता, मुझे सिर्फ ये जानना है। तो इसके लिए हमारे पास है एक फंक्शन सम प्रोडक्ट, जिसमें हम ये रेंज चूज कर लेंगे। पहले रेट की दे दी, देन क्वांटिटी की दे दी, ये दोनों समानांतर होने चाहिए। एंटर करेंगे, सेम आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है जी, तो सम प्रोडक्ट इसके लिए नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो प्रोडक्ट के थ्रू होती है। ठीक है जी, बेस फंक्शन सम प्रोडक्ट का है, जो है प्रोडक्ट है। देखिए नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की, रेट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट निकलेगा, तो ये मल्टीप्लाई ही करता है। इसमें मैंने बस दोनों को रेफरेंस दिए, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। देन मैंने कहा कि टोटल अमाउंट कितना हुआ, ग्रैंड टोटल जिसे कहते हैं, मैंने कहा ग्रैंड टोटल कितना हुआ। ठीक है जी, तो ग्रैंड टोटल हुआ 2570। मैंने कहा मुझे ये कैलकुलेशन करनी नहीं है, मुझे डायरेक्ट ये चाहिए ग्रैंड टोटल। मैं क्या करूँगा, सम प्रोडक्ट है मेरे पास एक फंक्शन, जिसको मैं क्या करूँगा, फर्स्ट रेंज दे दी रेट वाली, सीधे सीधे पूरी रेंज दे दी, यहाँ से सिलेक्ट करके ये पूरी, और यहाँ से ये पूरी सिलेक्ट कर दी। ठीक है जी, बस इतना ही करना है। ठीक है जी, एरे वन में मेरी ये रेंज आ गई, एरे टू में मेरी ये रेंज आ गई। अब तीन भी ले सकते हैं, चार भी ले सकते हैं, मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो सम आया वो हम सम प्रोडक्ट के थ्रू निकालते हैं, जैसे ये रहा सम प्रोडक्ट। ठीक है जी, ये सिर्फ सामने काम होता है, सिर्फ है जी, सामने करना सम ही निकालते हैं बस। हर एक चीज के लिए अलग अलग फंक्शन बना होता है, तो ये इसके लिए ये सम प्रोडक्ट। हालांकि मुझे इसकी भी जरूरत नहीं फंक्शन की। अब जब मैं एरे फॉर्मूले आपको पढ़ाऊंगा तो मेरे पास तो सिंपल ही जुगाड़ है। मैं तो ऐसे ही एक एरे दे दिया, देन मल्टीप्लाई का साइन लगाया, दूसरा एरे दे दिया। ठीक है जी, अब मैंने यूज किया है सम फंक्शन, पर ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। इस फंक्शन में खास बात क्या है कि यहाँ पे आपके जो है ना दो कर्ली ब्रेसेस लगे हैं। आप इन फॉर्मूले में देखेंगे कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा, पर ये स्पेशल फॉर्मूला है, इसको कहते हैं एरे फॉर्मूला, जो मैं सबसे लास्ट में आपको समझाऊंगा। ये क्या होते हैं कि कई बार आपके पास कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, तो ये फॉर्मूले कस्टमाइज हो जाते हैं आपके हिसाब से। ठीक है, लंबी चौड़ी कैलकुलेशन इनसे कर सकते हैं। देन आगे देखते हैं, आगे कौन से मैथ में फॉर्मूले हैं हमारे पास। हमारे पास है रैंड और रैंड बिटवीन। ठीक है जी, रैंड जो है रैंडम नंबर जनरेट करता है 0 से लेकर 1 तक खाली, डेसिमल पॉइंट्स करता रहता है। ठीक है जी, 0 से लेकर 1 तक के रैंडम नंबर जनरेट करता है। बाकी उसके बाद है मेरे पास रैंड बिटवीन, रैंड बिटवीन। इसमें क्या है कि हम रैंडम नंबर तो देखता है, पर हमारे पास चॉइस है कि हम किससे किसके बीच में नंबर जनरेट कराना चाहते हैं। मैं मोस्टली देता हूँ 10 से लेकर 90 के बीच के रैंडम नंबर जनरेट कर दे। ठीक है जी, इसको ड्रैग करता हूँ तो ये 10 से 90 के बीच के कोई भी नंबर मुझे उठा के दे देता है, वैसे फिगर। ठीक है जी, तो रैंड बिटवीन इसलिए यूज करता हूँ मैं। रैंड इसका बेस फंक्शन है, हालांकि फॉर्मूला के थ्रू रैंड को भी कस्टमाइज किया जा सकता है किसी लिमिट की तरह। देन नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, रोमन। रोमन क्या करता है, हमारा जो कोई भी नंबर वगैरह हमारे हैं ना, तो उसको रोमन में कन्वर्ट करता है। रोमन तो है ये, देखिए ये रोमन, तो
और रोमन लेटर्स में दे देता है। अगर ये रोमन कन्वर्जन है तो आप ये बताइए कि ये इसको क्या कहते हैं, जिसमें हम 1 2 3 4 जानते हैं, इसको इस लिपि को क्या कहते हैं, जानते हैं आप लोग ये जो हम काम कर रहे हैं? हैं? नॉर्मल नहीं, नॉर्मल नंबर ये ना, किसी ना, देखिए कोई भी लिखावट जो हम देखते हैं वो किसी ना किसी लिपि का पार्ट होता है। हिंदी की आपको पता है कैसी लिपि होती है, तो ये किसकी लिपि है? रोम की है। ये कहाँ का सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, ये नंबर्स? नंबर्स। इसको कहते हैं सर अरेबिक। हाँ जी, दिखाता हूँ आपको सैंपल, मुझे भी नहीं पता था, कैसे पता पड़ा दिखाता हूँ। एक्चुअली एक्सेल नहीं सिखाया मुझे सब कुछ। यहाँ पे है आपका रोमन। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज क्या दिखा रहा है, कन्वर्ट्स एन अरेबिक न्यूमेरियल टू रोमन एस्टेक्स। ठीक है जी, तो मुझे पता पड़ गया भैया ये अरेबिक ही है। ठीक है जी, पर तब सोच सकते हैं हो सकता है वैसे ही बोल रहा हो, इसको भी कर देता हो अरेबिक को करता होगा बाकी, बट फिर इन्होंने इसमें एक फंक्शन दे दिया अरेबिक, जिसमें क्या है जो रोमन को अरेबिक में कन्वर्ट करता है। ठीक है जी, ये एक्सेल 2013 के अंदर फंक्शन आया है अरेबिक का। ठीक है जी, देन हमारे पास कुछ आइडेंटिफायर्स हैं, जैसे साइन है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स ले लेते हैं हम। यहाँ पे 0 ले लेता हूँ, यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर ले लेता हूँ, एक एरर भी ले लेता हूँ, पता नहीं एरर में वर्क करता है नहीं करता, पर फिर भी ले लेता हूँ, और एक एरे ले लेता हूँ। ठीक है जी, तो हमारे पास एक फंक्शन है साइन। ठीक है जी, इसके अंदर अगर हम कोई भी नंबर देते हैं तो ये क्या करता है, -1 रिटर्न करता है जब वैल्यू नेगेटिव में होती है। ठीक है जी, 0 रिटर्न करता है जब वैल्यू 0 में होती है, 1 रिटर्न करता है जब वैल्यू आपकी इसमें होती है, क्या नाम है, पॉजिटिव में होती है। तो ये 3 साइन फॉलो करता है, बाकी को हटा देता हूँ। ठीक है जी, इसका मतलब होता है नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव, ये इसके फंक्शन के साथ हम यूज कर सकते हैं साइन का फॉर्मूला ऑटोमेशन में, अगर कभी हमें इस तरह के कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है तो। अभी मैं ऐसा है आपको फॉर्मूले 1 गो में बताता चला जाऊंगा, देन फिर मैं इनको कंबाइंड करना शुरू करूंगा, जैसे हमने अपना लास्ट प्रोजेक्ट किया था ना अटेंडेंस मॉनिटरिंग का, तो उसी तरह से मैं इसको इन सबको अगर किसी प्रोजेक्ट में होगा तो उसमें भी हम इनको करेंगे। ठीक है, बाकी इनके ऊपर आपकी प्रैक्टिस मायने रखती है, आपको ये याद आए सही टाइम पे ये मैटर करता है कि हाँ इस तरह का कोई फॉर्मूला है। और आगे देखते हैं इसमें हमारे पास क्या है, देखिए साइन टैन कॉस ये सब नहीं बताऊंगा, खाली के इतनी ट्रिग्नोमेट्री मुझे भी नहीं आती, पर ये साइन रिटर्न करता है, वो टैन रिटर्न करता है, वो कॉस रिटर्न करता है। ठीक है जी, किसी भी नंबर का, ये जो इसके आगे फॉर्मूला लगाया ना, नंबर इज एन एंगल इन रेडियन विच यू वांट साइन डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइडेड बाय 180। हालांकि निकाल तो दूंगा पर मैं करूंगा क्या, मुझे नहीं समझ आता, तो हालांकि ये वो कोई खास वो नहीं है फॉर्मूला, ना ही आपके इतना यूज में आता है। ठीक है जी, क्या चीज? पहले जो डिस्क्रिप्शन
ऑप्शन वाली विंडो थी हाँ छोटे से आई थी वो, अच्छा, जैसे या मैंने फिर कुछ सिम में। जैसे ये है, बस मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ, आ जा रही हूँ, अच्छा ठीक है ना। यहाँ पे जाके ना किसी भी अगर फंक्शन में ना, वैसे मैं लगा तो नहीं ना, अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना तो उसकी यही विंडो खुलेगी, ठीक है जी। उसमें डिस्क्रिप्शन आती है, इसका फायदा ये रहता है कि जैसे मुझे ये फॉर्मूला नहीं पता, थोड़ा तो यहाँ पे दिखा दे रहा है पर ये नहीं मालूम मालूम पड़ा मुझे, तो मैं चला जाऊंगा हेल्प ऑन दिस फंक्शन, ठीक है जी। यहाँ पे मुझे खुल के सामने बता देगा डिटेल्स में कि ये है, ये फॉर्मूला ऐसे लगा है, किसका इसका फैक्टोरियल डबल फैक्टोरियल क्या आएगा। पर और डिटेल में जानना हो ना, कि मान लीजिए यहाँ से भी नहीं क्लियर होगा, तो आपको एक लिंक बताता हूँ जिसको हम लोग यूज करते हैं अपने लिए। यहाँ पे गूगल पे जाइए और यहाँ पे सर्च मारिए टेक ऑन दी नेट, ये साइट को अपने पास नोट कर लीजिए, ऑफिस में कहीं भी आपके, मेरे ख्याल से प्रॉक्सी में भी खुल जाती है ये साइट, टेक ऑन दी नेट। टेक ऑन द नेट। हाँ जी, टेक ऑन दी नेट पे आपको जैसे यहाँ पे एक्सेल है, एक्सेल पे क्लिक करेंगे और एक्सेल में आप चले जाइए यहाँ पे डब्ल्यू एक्सेल फंक्शंस, डब्ल्यू एक्स कैटेगरी में, डब्ल्यू वर्कशीट, इसका मतलब वर्कशीट फंक्शन अल्फाबेटिक, वर्कशीट फंक्शन कैटेगरी वाइज, कैटेगरी वाइज देखेंगे तो ये आपके सारे फॉर्मूले स्ट्रिंग के, मतलब टेक्स्ट के कौन से हैं, मैथमेटिक्स के कौन से हैं, स्टैटिक्स के कौन से हैं, लॉजिकल कौन से, इंफॉर्मेशन, मतलब हर तरह के फंक्शन जो यूज होने वाले हैं वो आपको इसमें दिखा देगा, ठीक है जी। अब इसमें फंक्शन दिखाएगा, बाकी मान लीजिए कि कोई चीज नहीं पता है, अब देखनी है। अब जैसे देख रहे हैं हम यहाँ पे स्मॉल, ठीक है जी, स्मॉल क्या करता है, क्लिक कर दिया, ये आपके सामने इसकी डिटेल खुल जाएगी। ये थोड़ा आसान लैंग्वेज में समझने में आसानी होती है, या फॉर्मूला लगा हुआ दिखाई दे रहा है हमें कि ये इसका रिजल्ट ये आया, और ये काफी सारे सैंपल हैं कि किसका रिजल्ट क्या देगा, ठीक है जी। तो ठीक ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी साइट एक्सेल में। आगे चलते हैं इसमें, देन हमारे पास एक ये SQRT एक फंक्शन है जो स्क्वायर रूट निकालता है, ठीक है जी। हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, 16 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। SQRT नंबर दीजिए, निकाल दिया 4, 125 का नहीं, 625 का, 25, ठीक है जी। तो स्क्वायर रूट निकालता है, देन उसके बाद है हमारे पास सब टोटल। अब सब टोटल बहुत यूजफुल फंक्शन है, एक डेटा बनाता हूँ जिसमें आपको इसका सैंपल दिखाता हूँ। सेल्स, तो यहां पे मान लीजिए मैंने लगा दिया फिल्टर, ठीक है जी। अब मुझे किसी एक की सेल चेक करनी है, मैं क्या करता हूँ, इसको क्लिक किया, संदीप को यहाँ पे किया और यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट किया, देन यहाँ पे जाके मैं सेल देख रहा हूँ, है जी, यही करते हैं, ठीक है जी। फिल्टर चेक कर करके देखते हैं हमेशा कि अच्छा इसकी सेल कितनी है, सिलेक्ट किया, यहाँ देखा, ठीक है जी। तो यहाँ पे वैसे हम चेंज भी कर सकते हैं, आप राइट क्लिक करेंगे ना तो क्या क्या दिखाना चाहते हैं वो भी आपके पास है, एवरेज काउंट, न्यूमेरिकल काउंट, मिनिमम मैक्सिमम सम, तो यहाँ से क्लिक क्लिक करेंगे तो इनकी वो भी देख सकते हैं आप, ठीक है जी। मैक्सिमम देखना है, मिनिमम भी देखना है, न्यूमेरिकल कितने हैं, तो यहाँ पे सारी डिस्क्रिप्शन अपने आप से चूज कर सकते हैं। पर आप चाहते हैं कि यहाँ पे नहीं दिखानी मुझे, मुझे क्या है, हर एक बंदे की रिपोर्ट देनी है टोटल नीचे लिख के उसके,
जी। तो कैसे करूँगा मैं, क्या करता हूँ, सबसे लास्ट में जाके, ताकि वो फिल्टर की रेंज में ना आए, क्योंकि जब मैं फिल्टर करूँगा तो मैं एक नीचे करता हूँ, यहाँ टोटल लिख के यहाँ पे लगा देता हूँ सब टोटल। ठीक है, सब टोटल में जैसे ही फंक्शन करेंगे एक लिस्ट सी आपके सामने आ जाएगी। ठीक है जी, इस लिस्ट में देखेंगे तो आपके पास एवरेज, काउंट, काउंट एग, हर तरह के फंक्शन है। तो हम सम का चूज कर लेते हैं, 9 नंबर आ गया या उसका नंबर दे दीजिए। देन हमें क्या करना है, ऊपर तक हमने दे दिया कि ये रेंज है। ठीक है जी, एंटर किया, आ गया टोटल सेल अभी दिखा रहा है हमें 47 24। ठीक है जी, अब एक बंदे को किसी को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है जी, 894 आ रहा है। ये अपने आप क्या करता है कि जो सेल्स विजिबल होते हैं ना उन्हीं का डेटा दिखाता है खाली, जैसे यहाँ देख रहे हैं 894 यहाँ पे भी सेम। तो कभी इस तरह से प्रिंटिंग वगैरह करनी है हो करके, एक एक बंदे की, या किसी को रिपोर्ट भेजनी हो, फटाफट से अपने आप ही कैलकुलेट करता रहता है। तो यहाँ आपको रेफरेंस ना लेना पड़े, यहाँ पे आप जान सकते हैं फिगर्स। ठीक है सर, देन आगे देखते हैं इसमें। छोड़ना जरूरी होता है जी, हाँ जी, हाँ देखिए, स्पेस छोड़ना। एक स्पेस मैंने क्यों छोड़ा है, देखिए अगर मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ ना तो ये फिल्टर की रेंज में आ जाएगा, मान लीजिए नहीं डाला मैंने। ठीक है जी, तो क्या आता है ये, अभी तो नहीं आया क्योंकि पहले का ही फिल्टर लगा हुआ है। ठीक है जी, या तो दोबारा फिल्टर लगाए ना, पर एक बार आपने हटा के अगर लगा दिया तो टोटल भी इसके अंदर इंक्लूड, क्या बात है, हुआ ही नहीं, मतलब ऑल वैसे इंक्लूड हो जाता है। ठीक है जी, अब ये अलग से दिखा रहा है, पर मोस्टली हो जाता है, तो बेटर है एक लाइन छोड़ के लगाएं, या फिर अपने में मतलब बारीकी इस पे थोड़ा सा वो करें, ज्यादा कुछ नहीं। एक और चीज कर सकते हैं, जैसे अगर कई बार नहीं हो रहा तो थोड़ा सा हाइड कर लें, और क्या करें, है ना, सेफ साइड पे रहने के लिए ये कर लें। ठीक है जी, छोटा बड़ा अपने हिसाब से करें। प्रवीण जी, नेट की प्रॉब्लम है, इस कारण से आपको वॉइस नहीं आ रही है, बाकी मेरी वॉइस इधर से तो सही जा रही है। देन आगे देखते हैं, सब टोटल देगा, सम समे सम एप्स, सम का फंक्शन आप लोग जानते हैं, सम का फंक्शन मुझे बताने की जरूरत नहीं, फिर भी देखो, सम का फंक्शन आपने लगाया, एक रेंज दिया और ये सम हो गया। दूसरा, अगर पार्शियल करना चाहते हैं कि मतलब एक यहाँ से चूज करना है कॉमा, एक ये चूज कर लिया कॉमा, एक यहाँ से चूज कर, इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो सम का फंक्शन। देन आता है सम इफ। अब सम इफ में जिस तरह से मैंने ये दिखाया था ना, कि जैसे हमने टोटल यहाँ पे सब टोटल दिखाया, अब यही चीज मैं यहाँ करना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ इनका टोटल मुझे यहां पे चाहिए सामने, जैसे पाइवट टेबल में हम लोग बना देते हैं, सबका टोटल यहां चाहिए। यानी कि हम सम तो करेंगे पर एक कंडीशन के साथ करेंगे, कि जहां जहां ये हो संदीप उसकी इकट्ठा टोटल कर दे, जहां जहां हरीश हो उसको इकट्ठा कर दे, इस तरह से कर दे। तो सम इफ, सम इफ का कॉम्बिनेशन है। इसमें सबसे पहले क्या चीज लेता है, रेंज। रेंज मतलब कौन सी रेंज, जिसमें आपका क्राइटेरिया आप सर्च करोगे, तो ये रेंज नेम रेंज। ठीक है जी, देन कॉमा लगाया मैंने, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मैंने कहा कि ये है क्राइटेरिया, ये रहेगा इस रेंज में। देन लास्ट है आपकी सम रेंज, क्या टोटल करना है। ठीक है जी, एंटर। ठीक है जी, तो ये आ गया 1104। इसको मैं थोड़ा फिक्स कर लेता हूँ, क्योंकि मैं ड्रैग करूंगा, तो आप सिलेक्ट करके इसको F4 प्रेस करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट आपको ऑप्शंस दिखाएगा, जैसे फिक्स करना चाहे। मेरे को पूरी तरह से फिक्स करना है,
रो भी फिक्स करना है, कॉलम भी फिक्स करने हैं, तो दोनों के आगे डॉलर लगा दिया। देन मैंने क्राइटेरिया में क्या फिक्स करना है, यहाँ क्राइटेरिया में फिक्स करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं चाहता हूँ वो ड्रैग होने के साथ चेंज हो, और सम रेंज को फिक्स कर दिया। ठीक है जी, तो ये आपको सबका टोटल आ गया एंड फाइनल टोटल ये रहा। ठीक है जी, अब बात आती है कि अभी सम इफ में क्या किया हमने, एक कंडीशन लगाई, एक कंडीशन और एक क्राइटेरिया। इधर बात करते हैं सम इफ की, सम इफ्स की, जहां पे हम मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं। मान लीजिए कि अब मैंने क्या करना है कि ग्रेटर देन 50 का डेटा जो हो वो संदीप का वो टोटल दिखा दे, या सबका टोटल ऐसा ही दिखा दे। तो यहाँ पे लगाता हूँ मैं सम इफ्स, यहाँ पे हो गए मेरे पास मल्टीपल क्राइटेरिया। अब इसमें क्या कह रहा है कि बाद में आप समरोह दो ना दो तो इसलिए सबसे पहले ही दे दो, बाद में आप भूल जाओगे, ये कहता है। देन कॉमा लगाया हमने, सम रेंज पहले दे दी हमने, देन क्या देना है क्राइटेरिया वन रेंज। तो क्राइटेरिया वन रेंज हमने यही कहा कि ये नेम वाली होगी, देन क्राइटेरिया वन कौन सा रहेगा हमारा, ये नेम होगा। ठीक है जी, देन क्राइटेरिया टू रेंज कौन सी रहेगी, दूसरा क्राइटेरिया कहा, हमने कहा यही सेल्स का ही ले लो, और इसमें जो हमारा क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया है हमारा वो ये है। देखिए इसको आप तो या तो इस तरह से लिख कर भी दे सकते हैं, या तो ये जो क्राइटेरिया लेता है लॉजिकल्स में तो वो लेता है टेक्स्ट फॉर्म में, तो हम ऐसे दे सकते हैं जैसे ग्रेटर देन 50। ठीक है जी, तो टेक्स्ट के अंदर देना पड़ता है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। ठीक है जी, या रेफरेंस जिसका दे रहे हैं वहां भी ऐसा ही लिखा होना चाहिए। एंटर करूंगा, पहले फिक्स कर लेता हूं इनको, ये फिक्स कर दिया मैंने, क्राइटेरिया रेंज वन फिक्स कर दी, देन ये मैं खुला चाहता हूँ कि खुला रहे, क्राइटेरिया टू रेंज फिक्स कर दी। ठीक है जी, तो ये रहा आपका टोटल कि 2894 जो है वो आपका टोटल में आ रहा है, कि 2894 ग्रेटर देन 50 है, और संदीप का डाटा जिसमें से ये हरीश का इतना है ग्रेटर देन 50 का। अब चेक करना है कैसे करेंगे, सेल्स में जाके यहाँ नंबर फिल्टर में ग्रेटर देन क्या था 50। ठीक है जी, तो ग्रेटर देन 50 में लास्ट में क्या 2894, देन एक एक का चेक कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है जी, 894 ये 416 है, 416 किसका दिखा रहा था, हरीश का। हाँ तो हरीश का इस डेटा में नहीं है, यहाँ से हटा दे, ये रहा 416। ठीक है जी, तो आप कितने भी क्राइटेरिया इसके अंदर लगा सकते हैं। हाँ वो मैं सेव करूँगा, इसको सेव कर दूंगा एक्सेल फाइल को। देन देखते हैं आगे, समिफ समिफ कर लिया, सम प्रोडक्ट मैंने बता दिया, सम स्क्वायर की जरूरत नहीं है इन सब की, ये जो कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, ये सब क्या स्क्वायर निकाल के उसका सम कर देते। ठीक है जी, बाकी आपके ये आपके ये फंक्शन हो गए। ठीक है जी, मैथमेटिकल, तो आज के लिए विदा लेते हैं, फिर बाकी कल मिलेंगे, मैं आपको ये फाइल मेल कर दूंगा।